मध्य प्रदेश की ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण श्रीजवलकर, जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद विवेक नारायण श्रीजवलकर ने कहा कि महात्मा गांधी को स्मरण करने के लिए आज हम सब पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं। मैं मानता हूं कि आज़ादी की स्वतंत्रता समर में जिन लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है, उसमें महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता का स्थान प्रथम है। महात्मा गांधी जी को स्मरण करने के लिए हम सब हैं। आज उनकी जयंती है। आज़ादी में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, मेरा मानना है महात्मा गांधी जी का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को जनता के बीच ले जाने का जो काम किया, उसी का परिणाम था कि हम आज़ाद हुए। उनके सपनों का भारत बनाने की जिम्मेदारी अब हम पर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने उस जिम्मेदारी को पूरा करने का संकल्प लिया है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत एक विकसित देश होगा। आज गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम सभी उस संकल्प को पूरा